नाम लेक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। खबर सहारनपुर जनपद के देवबंद से है, जहां अचानक सैकड़ों की संख्या में सेवानिवृत्त और संविदा कर्मी सफाई कर्मचारी देवबंद नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच गए। तभी तुरंत अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय ने जिम्मेदार लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि आपकी जो भी प्रमुख मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उधर पालिका अधिकारी का कहना है कि जांच कराकर जिनका भी बकाया पेमेंट रुका हुआ है वह जल्द दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगों को लेकर आए कर्मचारियों ने गंभीर आरोप नगरपालिका देवबंद के जिम्मेदार लोगों पर लगाए। बबीता का कहना है कि मुझे 4 महीने काम देने के बाद हटा दिया गया है और अभी तक 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। सफाई कर्मचारी का नेतृत्व कर रहे दीपक चंचल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का 2 करोड़ रुपए देवबंद पालिका पर बकाया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो हमें एक बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो सफाई कर्मचारी सुबह होते ही अपने बच्चों को सोता छोड़कर सफाई कार्य में लग जाते हैं, आखिरकार उनका शोषण क्यों किया जा रहा है? चंद्रावती यही रिटायरमेंट तो समझता, मेरा मालिक रिटायर हुआ था 1990 में। अच्छा जी, जब हमने मांगना शुरू करा तो ये अकाउंटेंट भी लड़ने को आया हमसे, यहाँ जो बैठे है कहा जाओ जाओ, यानी कोई पैसा पूछा तुम्हारा है जाओ। अच्छा जी, क्या ही दफा आए हम तो भाई। अच्छा, चेयरमैन बात नहीं करना पसंद करता, एक वो आया बेचारा वो भी देखो चला नहीं जाता, उससे उसे भी देखे कहते जाओ चल यहाँ से, कोई पैसा पूछा नहीं है तुम्हारा, समझे जी। और मैं खुद साल भर से आ रही हूँ और मना कर, जाओ जाओ चलो मिल जाएगा, अब कहीं अब कहीं मिलेगा, अब कहीं अब कहीं मिलेगा, बस यही कह मैं भैया अभी बनानी अभी बनानी है दफ्तर में पैसा नहीं है, नुकै पैसा नहीं दफ्तर में, जब आवेगा देवेंगे, ये है चक्कर इनका। नाम है आपका जी? किस संबंध में नगर पालिका आया जी? जी क्या समस्या आपकी? समस्या जो पैसा मेरे मालिक को लोगों को भी जी उनके भी पड़े जी, मेरे को तो कहते रहा ही खत्म हो गया। अच्छा, किन्होंने कहा है? अच्छा, कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? हाँ तो मुद्दत हो गया, आया चलेगा, मैं बीमार भी रही, सब कह रहे अम्मा कह रहा पैसा नहीं, तेरा पैसा नहीं, 2 साल हो गए करते करते, आज तक पैसा नहीं, 2,80,000 है मेरे, अब तुम देखो उनका ब्याज कितना बनता। महेंद्री क्या हुआ, क्या समस्या है? समस्या यही है कि पैसा नहीं इतना खास मिला हमें, थोड़ा बहुत ही मिला था जबकि रिटायर हुए थे ये। कब रिटायर? अभी कब, कई कितने साल हो गए मिले इसके बाद? नहीं उसके बाद नहीं मिले हमें, थोड़े बहुत जो भी मिले होंगे वे मिले हैं बस। हाँ नौकर थे, मैं नहीं थी, मेरे पति ना, फिर नहीं बाद उसके कुछ मिला। पेंशन तो मिल रही है ना? हाँ पेंशन मिल रही। मुन्नी किस संबंध में आया है? हम नौकरी के चक्कर में, हमारा पैसा कुछ नहीं मिला। किसने नहीं दिया पैसा? यह दफ्तर वालों ने। क्या कहा? अब बताते ही नहीं, हमें तो चले जाते हैं अपना बोल के। हम दोनों आदमी नौकर थे, दोनों आदमी रिटायर कर दिए। कितने दिन? अब ऐसा हो गया, हमें तो 10-15 साल से भी ज्यादा ना। नाम क्या है? मुन्नी नकली आदमी का नकली। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बबीता है। किस संबंध में नगर पालिका देवबंद आया? जी मेरे, हमें यहाँ पर काम पे लगाया गया था ठेके में जी, हमारे को 4 महीने काम कराया और फिर उसके बाद हमारे को हटा दिया और हमारी सैलरी भी नहीं दी। कितने महीने की सैलरी दी? जी हमारी 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है। ऐसे में जो है त्योहार भी नजदीक है, तो ऐसे में घर का परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? बहुत जी बड़ी मुश्किलों से खर्चा चल रहा है, कुछ भी घर में साधन नहीं है कमाने का। किनके द्वारा आपको हटाया गया जी? बस ये दफ्तर वालों के द्वारा ही हटाया गया है, तो कोई बताता नहीं जी किसके नाम। तो हटाने का कुछ रीजन बताया गया ना जी? हटाने का रीजन तो कुछ नहीं बताया गया, ऐसे हटा दिया। हाँ जी। किनके द्वारा लगा गया था? हमारे उसको चेयरमैन के द्वारा लगाया गया था। हटा किसके द्वारा का? हटा तो दफ्तर वालों ने हटा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें काम चाहते हैं जी, हमें रोजगार दिया जाए। मैं ठेके में लगा हुआ जी ड्राइवर की।
मेरी तनख्वाह रुकी हुई है जी, मार्च से रुकी हुई, एक मिली नहीं। और भी निरे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह नहीं मिली, ठेका कर्मचारी। कितने दिन हो गए? कई कई महीने की रुकी हुई, चार चार पांच पांच महीने की रुकी हुई। बस चला रहे जी, गुजारा इधर उधर से कर रहे काम। कुछ मिल रही तनख्वाह कभी, यानी कि आधी मिल जा, आधी दे दे, 5,000 दे दिए, 10,000 में ऐसे दे रहे बस।